सो गाइस फाइनली स्ट्रीट ऐप लॉन्च होने वाला है 18th को ये ऐप लॉन्च होने वाला है। सो गाइस मुझे मिल चुका है स्ट्रीट ऐप का अर्ली असेस। सो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रीट ऐप का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कैसा इसका साइन अप प्रोसेस है। सो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्ट्रीट ऐप के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, ऐसे काफी सारी वीडियो चैनल पे आती रहती है, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी स्ट्रीट ऐप के कार्ड की अनबॉक्सिंग भी आएगी, एटीएम टेस्ट भी आएगा, स्वाइप टेस्ट भी आएगा, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं स्ट्रीट ऐप की, और अब मैं आपको बताता हूँ सारा प्रोसेस साइन अप का। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रीट ऐप का मुझे अर्ली एक्सेस मिल चुका है प्री टेस्टिंग के लिए। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रीट ऐप ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्ले स्टोर में है, 18th को ये लॉन्च होने वाला है। सो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, 18th को भी मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले हम इस ऐप में साइन अप करेंगे। मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। स्ट्रीट का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनके मेनली फीचर्स बताए गए हैं, हेल्प, टीच, मेक, ऐसे इसके फीचर बताए गए हैं, एम्पावर और स्ट्रीट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, साइन अप और साइन इन। अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन अप क्लिक करेंगे। हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, सो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें डालना होगा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी इस ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि ये मेनली 10th के लिए ऐप बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे था ये माइनर, सो इसके लिए यहाँ पे आ चुका है एंटर पेरेंट्स 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अगर आप अबव 18 हो तो पेरेंट का मोबाइल नंबर नहीं डालना पड़ेगा। सो फटाफट मैं ये सारी डिटेल डाल के कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस उसके बाद मैंने OTP एंटर किया था, वहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो रहा था इसलिए मैंने वो प्रोसेस नहीं दिखाया, सिंपली मैंने OTP एंटर कर दिया। अब हमें 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। मैंने पिन एंटर करके एक बार दोबारा पिन एंटर किया 2 बार। अब यहाँ पे आ रहा है बायोमेट्रिक, यानी कि हम फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हैं। मैं इसे अलाउ करके अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूँ और फिंगरप्रिंट लग के ये ऐसा हो गया। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें अपना पेरेंट का नंबर डालना पड़ेगा और क्विक KYC करना पड़ेगा। सो मैं अपडेट पेरेंट नंबर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेरेंट का नंबर आ चुका है। हम यहाँ पर इन्वाइट पेरेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें पेरेंट्स के फ़ोन नंबर से भी रजिस्टर करना पड़ेगा। पेरेंट्स के फ़ोन नंबर से भी सेम डिटेल डाल के KYC प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ताकि KYC प्रोसेस कैसे कैसे करना होगा। सो गाइस अब ये है पेरेंट के फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फिर से हम साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें सारी डिटेल पेरेंट्स की डालनी होगी। पेरेंट्स की डिटेल डालने के बाद हमें कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। सो मैं फटाफट से सारी डिटेल डालता हूँ। फिर से हमें पेरेंट्स का भी पिन सेट करना होगा, 4 डिजिट का पिन, और उसके बाद हमें OTP एंटर करना होगा। अब हमें यहाँ पे भी बायोमेट्रिक सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड का नाम आ गया जो हमने अकाउंट बनाया था। हम यहाँ पे अप्रूव के बटन पे क्लिक करेंगे, सो ये एज द चाइल्ड ऐड हो जाएगा। जब मैं अप्रूव के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। अगर आप एक और चाइल्ड ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं तो लॉगआउट पे बटन के भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको चाइल्ड के अकाउंट खोलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आ रहा है रिक्वेस्ट कार्ड फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट एक्सेप्ट हो गया। अब पेरेंट के अकाउंट से कार्ड बनाना पड़ेगा। सो फिर से चलते हैं हम पेरेंट्स के अकाउंट की ओर। अब ये पेरेंट अकाउंट, आप ये स्टेप पहले ही कर सकते हैं, आपको अपना चाइल्ड का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे ताकि हमें अकाउंट, यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई पैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेरेंट का पैन डालना है, यहाँ पे हमारा नेम शो हो जाएगा और हमें डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल पैन के अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डाल के यहाँ पे करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे आधार वाले मतलब उस नंबर पे OTP आएगा, येस बैंक की तरफ से OTP डाल के आपकी KYC हो जाएगी। अगला कौन सा प्रोसेस है ऐप का सारा इंटरफेस वो हमें अगली वीडियो में पता चलेगा। अब ये ऐप जब लॉन्च होगा आप साइन अप करके रख लेना, इस ऐप का सारे अंदर की डिटेल आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। सो ये थी हमारी वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस ऐप पर काफ़ी वीडियोज़ आनी हैं।